देखिए, मुझे खुशी है कि इंटरनल डेमोक्रेसी को जारी रखते हुए यूथ कांग्रेस ने आज अपनी मेंबरशिप लॉन्च की है। दिल्ली, जो भारत का दिल भी है, वहाँ पर इस मेंबरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिलेगा, मुझे ये अपेक्षा है, मुझे ये अपेक्षा रखता हूँ। और इसमें चाहे कोई भी वर्ग का साथी है, चाहे वो महिला है या एससी एसटी ओबीसी, जो भी साथी हैं वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और बहुत जल्दी, क्योंकि इसकी मेंबरशिप लॉन्च हो चुकी है, पूरे अगस्त में इसमें मेंबरशिप जारी रहेगी, सितंबर में इसका रिजल्ट आएगा और एक मजबूत, मुझे उम्मीद है, एक मजबूत कमेटी बनकर सामने हमारे आएगी। देखिए, जेल अथॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जेल जो है वो डायरेक्टली दिल्ली सरकार के अंडर ही आता है। तो मुझे कहीं इसमें ये बात ज़रूर आती है कि पॉलिटिकल इसको नहीं बनाना चाहिए, लेकिन निश्चित ही उनकी सेहत का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसके चाहे उनके खाने पीने की बात है या उनकी दवाइयों की बात है, वो समय समय पर उनको ध्यान रखते हुए उनको दी जानी चाहिए। देखिए, ये वो सरकार है जो कहती थी कि हम बिजली के बिल हाफ करेंगे, लेकिन आज बड़े दुख की बात है, बिजली के बिल डबल हो गए हैं और जो सरकार है उसके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। हम कोशिश कर रहे हैं लगातार इनको आगाह करने की, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको कहा जाए कि भाई इनको वापस लिए जाने चाहिए, अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखिए, ये हम शुरू से कहते आए हैं, जो हमारा अलायंस था वो केंद्रीय लेवल पर लोकसभा चुनाव के लिए था, जब से चुनाव खत्म हुए हैं हम पूरी मजबूती के साथ 70 की 70 सीटों पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हमारा कैडर वहाँ मजबूती के साथ अपने पैर जमा के बैठा है। और मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो चुनाव होगा उसमें किसी प्रकार का कोई गठबंधन किसी के साथ नहीं होने वाला। देखिए, हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं मालूम ट्रोडी जी ने क्या इस बारे में कहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पंजाब की बात आई वहाँ देश की बात तो आती आती है, पंजाब इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया, तो हमें इस बारे में हर चीज़ में राजनीति नहीं देखनी चाहिए, जो भावना है उसको सोचना चाहिए। नहीं, ये बात सही है कि केदारनाथ धाम जो उत्तराखंड में स्थित है उसमें बहुत सारे जो अनियमितताओं की शिकायतें पिछले समय में हुई हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। शंकराचार्य जी ने यदि कोई बात कही है तो धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड है या अन्य जो कमेटी है, मैं समझता हूँ कि उनकी भावनाओं को और विशेष रूप से जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते ही आगे बढ़ना चाहिए।